बुलंदशहर शहर में किसान नेता के दफ्तर पर कई राउंड फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल। दफ्तर के बाहर खड़ी वैगनार कार में गोली लगने से कार का शीशा भी टूटा। गनीमत रही कि घटना के वक्त बिन्नू अदाना ऑफिस में मौजूद नहीं थे। दो अज्ञात बाइक सवार लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया गया है। भारतीय किसान यूनियन असगर युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है बिन्नू अदाना। एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में ही किसान नेता ने बनाया हुआ है अपना दफ्तर। शनिवार देर रात बाइक सवार लोगों ने दफ्तर के बाहर की ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूरा मामला सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के NH 34 का है। सर, ये 9:15 की रात 9:15 के आसपास की बात है। हम अंदर बैठे हुए थे ऑफिस में, तीन लोग, और जैसी धमाके की आवाज़ आई तो गोली चलने की आवाज़ आई, तो हम लोग अंदर जो भगदड़ मच गई, हम लोग डर गए, तो हम तो इधर उधर छुप गए। तो देखिए, जब हमें बाइक की आवाज़ आई देखे, तो हमने वहाँ से देखा साइड से, तो वो दो लोग थे और इधर की तरफ को भाग गए। जब मैं बाहर आके देखा तो मेरी गाड़ी में वहाँ गोली लगी हुई है, एक अंदर लगी हुई है और एक ये गेट पे लगी हुई है, और पुलिस को सूचना दे दी थी तुरंत। पुलिस आ गई थी और वो हमारे यहाँ से जो DVR निकाल के ले गई। टाइम 24 न्यूज़ के लिए बुलंदशहर से इकबाल सेफी की रिपोर्ट।